हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गमाए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रही है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों आपको बता दे कि 1950 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर दो का जो दोस्तों सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के पद पर थे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो तीन नंबर क्वेश्चन, दोस्तों हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है रिविजन के तौर पर देख रहे हैं और कम समय में अधिक क्वेश्चन को देख पाए, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। तीसरा जो दोस्तों आम चुनाव हुआ वो कब हुआ, तो यहाँ पर आपका जो तीन का सी जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1962 में दोस्तों तृतीय आम चुनाव जो है हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ पर जो आपका चार नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि भारत का 29वां राज्य कौन है। तो चार का जो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तेलंगाना। अब दोस्तों आपको बता दें कि अब तो हमारे भारत में 29 राज्य नहीं रहे, केवल 28 राज्य ही बच गए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है आप सभी जानते हैं कि उससे जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लेकिन हमें अभी जो है 29वां राज्य पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम तो दोस्तों बदला, लेकिन सिलेबस नहीं बदला है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है, तो बुक बदलेगा तब वहाँ पर दोस्तों हम लोग 28वां राज्य बोलेंगे तेलंगाना को। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो पाँच नंबर क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, पूछ रही है किसने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। तो पाँच का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मौलाना अली जिन्ना जो है वो दोस्तों द्वि राष्ट्र सिद्धांत, मतलब भारत और पाकिस्तान होगा, इन्होंने मांग किया था सबसे पहले, अली जिन्ना के नाम से जो जाने जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दोस्तों आपका छः नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो छः का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों छठी योजना जो कि 1980 से 1985 चला था, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका सात नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी को ही दोस्तों हम लोग भाजपा भी बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसका स्थापना कब हुआ ये आपको बताना है। तो सात का जो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे अमित शाह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे, और एक पार्टी और भी आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था, ये आप याद रख लेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए पंजा उसका निशान है, और भारतीय जनता पार्टी का जानते हैं कमल छाप है। आठ नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो आठ का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। कहाँ हुआ था दोस्तों, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो नौ नंबर क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन पूछ रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना वो आपको पूछा जा रहा है कि 1953 में बना, और वो किस भाषा के आधार पर बना था ये आपको बताना है। तो नौ का जो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि तेलुगु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश जो है वो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है वो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो दस नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत देश, तो जिसको मान लीजिए कि दोस्तों आपका क्या है, ये मानिए कि भारत है, तो इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्व और इसको पश्चिम। तो ये उत्तर हुआ और ये
पूरब हुआ, तो इस दिशा को बोलते हैं पूर्वोत्तर। और यहाँ पर आपका सेवन सिस्टर्स है जिसमें बहुत से छोटे छोटे राज्य आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है सेवन सिस्टर में, यानी कि सात बहनों में कौन जो है शामिल नहीं है पूर्वोत्तर का जो सात बहनों बोलते हैं उसमें, तो 10 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि पंजाब। क्योंकि दोस्तों पंजाब जो है वो है उत्तर पश्चिम इलाका में, किसमें, भारत के उत्तर पश्चिम में है, और दोस्तों ये पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है। तो पूर्वोत्तर हो गया आपका ये भाग, और ये पंजाब इस क्षेत्र में है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पूछ रही है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो 11 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ताशकंद समझौता। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका हम पूरा नाम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में, आप देख सकते हैं कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया, भारत में जो है किया गया, ऐसा लिखना होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया ये बताना है, तो 13 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह 1988 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश नाम का एक देश बना जो कि दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन भारत के मदद से युद्ध के दौरान, युद्ध जीतने के बाद बांग्लादेश नाम का एक देश बना 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर, आप देख सकते हैं किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया, पंचशील संधि का उल्लंघन करते हुए किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, तो आपको जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि चीन। चीन जो है 1962 में हमारा चीन से ही युद्ध हुआ है, हमारे जो भारत है भारत का चीन से ही युद्ध हुआ 62 में, याद रखेंगे, 71 में हुआ है पाकिस्तान से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ, पोखरण परमाणु परीक्षण जो है भारत के किस राज्य में हुआ ये आपको बताना है, तो 16 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, देख सकते हैं कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ, 1972 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि शिमला समझौता। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं आगे, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है, तो 18 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1977 में आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें, जो 1977 में आम चुनाव जीता जो पार्टी उस पार्टी का नाम आपको बताना है, तो 19 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, जनता पार्टी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोध रिलेटेड है। अगला यहाँ पर दोस्तों आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, मेघा पाटेकर का नाम जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है, तो 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी है और उसकी सुरक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उससे। 22 नंबर क्वेश्चन है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है, फरक्का समझौता का संबंध किससे है ये बताना है, तो 22 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही, भारत और बांग्लादेश जो है उसके बीच जो है फरक्का जल समझौता है, ये जल है नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, देख सकती हैं,
बोला जा रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना, राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बने ये आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री उनका पद ग्रहण किए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं सीटों और सेटों जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश है। सीटों और सेंटों जैसे संगठनों का जो संस्थापक है वो कौन देश है ये आपको बताना है। तो 25 का यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं है इस चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि अराफात। अराफात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अराफात। नेक्स्ट 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। जब दो ध्रुवीय विश्व में गठबंधन हुआ तो पूर्वी का किसने नेतृत्व किया ये आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। किसने? सोवियत संघ। और पश्चिमी का अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ। तो 28 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1944। शीत युद्ध मतलब होता है दोस्तों ठंडा ठंडी युद्ध, मतलब जो जिसको वक्त युद्ध भी बोला जाता है। इधर के लोग कुछ कटाक्ष बोलेंगे, उधर के लोग कुछ कटाक्ष बोलते हैं, तो इसको शीत युद्ध बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 50 राज्य हैं टोटल। अगला यहाँ पर आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है, देख सकते हैं ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे ये आपको बताना है। तो 30 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ के थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का जो स्थापना हुआ दोस्तों वो हुआ था 1956 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, इटली। इटली यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। सार्क एक दोस्तों आपको बता दे कि सम्मेलन है, एक संगठन है, और इसके सबसे बड़े देश कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीलंका। कौन दोस्तों? श्रीलंका इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश है, सार्क जो हमारा संगठन है उसमें। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपसे 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, हल्का हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब 34 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया। तो 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया ये आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, 1990 में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी। तो 36 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, 1987 ईस्वी में ऐसा काम किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो कुल 15 सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। अस्त्र पर नियंत्रण करना था, हथियारों पर नियंत्रण करने का संधि कौन था ये आपको बताना है। तो 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि आपको बता दें ये जो सभी संधि हैं तीनों के तीनों संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है। अस्त्र पर नियंत्रण मतलब हथियारों को कंट्रोल करने का संधि था। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने देश जो है वो जैविक हथियारों के जो समझौता है आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 155 देश जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि एकीकरण। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट, तो बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।